दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हम है होली स्प्रिंट हाई स्कूल के पास गेट नंबर 7 और यहां पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने आयोजित किया। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 49 की अध्यक्ष लारजी मैडम है, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है, तो यहाँ पर आप जो कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ बताइए। एक हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा मैंने, तो इसलिए जो गया सेल भी हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा था, तो कुछ 3rd और 4th प्लेस में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम हो गया। तो देखो मैं हमेशा मंगला के साथ में जुड़े रहते हूँ, मंगला के साथ में जुड़ा, उनके साथ में कुछ भी खुशी का काम करना मुझे अच्छा लगता है। अभी देखो कितना सारे लोग खुशी हम इकट्ठा होके, ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपका नाम बताइए और जो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है ये क्या होता है, कब बनाया था, क्यों बनाया? मेरा नाम पवित्री शर्मा है, मैं सेंट मैथ्यूज में टीचर हूँ और मैडम के साथ भी मैं जुड़ी हूँ। और मैडम के साथ हम लोग क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही जुड़ना चाहिए, और मैं मैडम के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैडम जितना हार्ड वर्क करती है तो हमको मालूम है कि जब हम लोगों को इतना हार्ड वर्क कराती है तो आगे चल करके जो है समाज में भी बहुत काम करने वाली है, और ऐसे लोगों का साथ देना हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ जुड़े हुए, हमको अपना खुशी लगता है। और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम क्या होता है? हल्दी कुमकुम कार्यक्रम एक तरह से जो है महाराष्ट्रीय लोगों का त्यौहार है और इसको सभी लोग मनाते हैं, और आज तो आजकल ये हो गया है कि सभी पार्टी के लोग भी मनाते हैं इसको। तो हल्दी कुमकुम के जरिए जो है सुहागन औरतों को बुलाया जाता है और एक दूसरे से जो है हल्दी कुमकुम लगा करके और उन्हें जो है गिफ्ट के तौर पे जो भी आपके इच्छा हो आप दे सकते हैं। एक तरह से जो है न्यू ईयर में मनाया जाता है और खास करके महाराष्ट्रीयन लोग मनाते हैं। अब ये त्यौहार सभी लोग मनाने लगे हैं क्योंकि इसी बहाने जो है मतलब जो है सुहागन औरतें इकट्ठा होती है, एक दूसरे को जो है हल्दी कुमकुम लगाती है और एक दूसरे को जो है गिफ्ट देती है। यही एक हल्दी कुमकुम का त्यौहार है, इसी बहाने लोग जो है इकट्ठा होते हैं, थोड़ा सा हाल समाचार होता है, एक दूसरे का हाल समाचार जानते हैं और एक साथ मिलने का मौका मिलता है। यही एक जो है हल्दी कुमकुम का मेन महत्व होता है कि एक लोग जो है एक साथ लोग बैठ करके बातचीत करते हैं और अपना प्रॉब्लम भी बताते हैं और एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम होगा मैं सेंट मैथ्यूज का प्रिंसिपल है और आम आदमी पार्टी का जो इधर का वार्ड प्रेसिडेंट भी है। ये जो हल्दी कुमकुम प्रोग्राम आज आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा है और हमारा पार्टी से उधर के आधे से सब जगह पे जाके उनको मिलो, जो ऐसे जो अच्छे ओकेशन में सबको मिलो और उनके साथ में परिचय हो जाओ, ऐसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन है। और आज हम हमारा मेरा दिल से मैं बोलेगा तो मैं 90 से मैं मुंबई में आया, तो जैसा एजुकेशन फील्ड में बहुत कुछ काम किया और मेरे फ्रेंड का स्कूल भी है इधर, जनार्दन सर का स्कूल भी है और पढ़ाई करते हैं, तो भी वो भी एक प्राइवेट स्कूल है मुंबई में, अपने इलाका में मलवनी में जरूर आम आदमी पार्टी को जरूरत है। इसके लिए मैं एजुकेशन फील्ड में है ही है, तो भी जो एकदम बड़ा प्रस्थान में मैं ज्वाइन हो गया वो है आम आदमी पार्टी। तो मेरे को गर्व है क्यों, ये जो पार्टी है आम जनता के लिए, गरीब लोग के लिए, ये सब जो बॉटम लेवल का आदमी के लिए काम करते हैं। हम लोग को जरा भी किसी को भी कुछ देना लेना कुछ है ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब पार्टी है, हम लोग गरीब पार्टी है, किसी को पैसा देना देने मोटा मोटा अमाउंट देता नहीं, हम लोग सेवा देते पब्लिक को। आज का दिन में आम आदमी पार्टी हम लोग को कुछ ताकत नहीं है, पावर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, वोटर आईडी का जो दुरुस्ती जो है हमारे से जो ताकत है वो काम करते रहते हैं, जिसको पब्लिक को आम जनता को जो तकलीफ है हम लोग पहले खड़े हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल को लेके जाना, उनके चेकअप के लिए हेल्प करना, उनको
उनको जो जो जरूरत है उनको वॉकिंग स्टिक देना, जो तो उनको हमारा से जो होता है वो करते रहते। तो मतलब आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए एक ईमानदार पार्टी है। आने वाला बीएमसी चुनाव में अच्छी कैंडिडेट इधर से आने वाला है, वो जरूर आपको बहुत सारा सुविधा देगी। कल तक जितने सुविधा नहीं मिला वो आगे आप लोग को आम आदमी पार्टी आएगा तो एक्सपेक्ट कर सकते। मतलब 50 उम्र से ज्यादा हो उनको कम से कम चलने को आधा घंटा एक घंटा चलने को ग्राउंड चाहिए, जरूर मिलेगा आपको। खाली ग्राउंड नहीं, उधर कुछ भी अच्छे हेल्थ ड्रिंक भी चाहिए, वो भी हो जाएगा। उसके बाद में उतना भी नहीं, कुछ भी एक्सरसाइज किया कुछ भी चल के गया तो नहीं होता, उधर अच्छा योगा सेंटर होना चाहिए, लेडी ट्रेनर होना चाहिए लेडीज के लिए, वो भी हो जाएगा। अच्छी मार्केट का व्यवस्था होगा, स्कूल जितनी स्कूल आठ नंबर में जितनी बंद पड़ा है उसको स्कूल रीओपन करके उसको प्राइवेट स्कूल का जैसे उसके भी अच्छा दिल्ली का स्कूल आप देख लो वैसे एक स्कूल बनेगा, एक नहीं कई स्कूल। क्यों? सात नंबर में जितने स्कूल है वो बंद करके रखा है, उधर रिक्शा और टैक्सी को भाड़े पे देके पैसा कमा रहे, उधर बच्चे जाके वो सरस्वती है सरस्वती को भगा दिया उधर से, सरस्वती को भगा के और उधर कुछ भी नहीं है। और आप जाके देखो एक मेरे को मैं ऐसे बोल रहे तो 20-25 साल का पहले देखते उधर एक गुजराती स्कूल था, एक तमिल स्कूल था, एक उर्दू स्कूल था और इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी है वो भी सिर्फ आठवीं तक है। आठवीं के बाद में बच्चे अभी देखो एक पेरेंट है समझो उसके पास पैसा नहीं है, वो पेरेंट का इच्छा है इंग्लिश मीडियम पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल पढ़ाना है उनके पास ताकत नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएंगे, आठवीं तक पढ़ेगा। आठवीं के बाद में सवाल है कहाँ जाएगा बच्चा, लड़की किधर जाए, लड़की बड़ी हो गई कहाँ बस पकड़ के जाएगी, ये सवाल होता है। तो उधर स्कूल के जगह पे उधर पार्किंग चालू है, वो बच्चे को मलाड जाना पड़ता है उसको कंटिन्यूएशन एजुकेशन के लिए। अगर आम आदमी पार्टी को आप लोग एक बार चांस देगा तो जरूर स्कूल बनेगा, वो जूनियर कॉलेज में डिग्री कॉलेज भी बनाएंगे, वो लड़की लोग के लिए अलग कॉलेज भी बनाएंगे, वो जितने बच्चे लोग को रोजगार नहीं है दसवीं बारहवीं के बाद में। मैं अंबचोड़ी में गया एक दिन, उधर 10-15 लड़के लोग आए मेरे से पूछा मैडम हमको जॉब दो नौकरी दो, बारहवीं दसवीं कॉलेज पढ़े हुए लड़के लोग हैं उनको नौकरी नहीं है। मैं पूछा बेटा क्या कर रहे, बोलते बेटा मैडम कुछ भी काम नहीं है हम लोग पेंटिंग में जा रहा है, हफ्ते में एक या दो दिन पेंटिंग में जाता है 500 रुपये पगार है। बारहवीं पास हो गए बच्चे को अगर इधर एक पैरामेडिकल कोर्स होना दो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक्स का जो है कम से कम तो स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स भी अच्छी तरह से चलता होता तो बच्चा रोजगार बनेगा। वो कुछ मोबाइल का क्लिनिक मोबाइल सेंटर्स भी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर होने दो, मोबाइल का जो रिपेयरिंग हो जो इसको टेक्नोलॉजी उसके डिग्री और जो कोर्सेस होता तो भी वो लोग खुद का खुद कुछ भी दुकान चालू करके रोजगार ही नहीं मांगेगा जॉब नहीं मांगेगा वो लोग। ये सबका जरूरत है, ये केजरीवाल का जो रूल्स आएगा तो ही चलेगा। और आप लोगों को मालूम है दिल्ली मॉडल क्या है, दिल्ली मॉडल में शिक्षा फ्री है और घर पे 200 यूनिट तक लाइट फ्री वो इधर भी होगा, 20,000 लीटर पानी वो भी होगा। अगर इधर आम आदमी पार्टी आएगा तो जरूर घर घर पे पानी मिलेगा, जो पानी सुबह सुबह आप भरो देखो कितना गंदा पानी है, ये आठ नंबर एरिया का समस्या है। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं इसलिए मेरा घर बेच दिया, मेरा आठ नंबर में घर था, मैं घर बेच के मैं माड़ा में चले गया, क्यों वो गंदा पानी की वजह से हम लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा इसलिए मैं चले गया। अभी मैं आप लोग को पूछ रहे मेरा पास पैसा है करके मैं चले गया, कुछ भी लोन लेके मैं चले गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। वो हमारा जिम्मेदारी है, बीएमसी में जो आप लोग आपको कीमत की वोट देता है उसका जिम्मेदारी है साफ 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 पानी, हेल्थ देखना पब्लिक को, हेल्थ उनको व्यायामशाला उनको जो जरूरत, बच्चों को स्कूल, साफ सफाई क्लीनलेस ये पूरा उनके हाथ में है। ट्रंप के अंदर उतर के साफ सफाई करते तो वो पूरे काम फुलफिल नहीं होता है, उसका बुजुर्ग आदमी को देखो मालों को देखो
छोटे छोटे बच्चों देखो, ये जो बैठे बच्चे को मालूम नहीं कल मेरे को चलने को रास्ता नहीं, कल मेरे लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं, उनको नहीं मालूम। तो ये सब बात है, बहुत ज्यादा ही बात है। आज मैं ये बात नहीं करना, एक्चुअली मैं हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम करने के लिए आया है। तो भी मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से करके इसलिए दो शब्द आपको बताया।